हमारे साथ हैं एक्स सरपंच गुरमीत कौर जी। गुरमीत जी, पहली चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब जिस समय आप सरपंच बनी, सरपंच बनने के बाद सबसे मुश्किल काम क्या था आपके लिए? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। मैं बड़ा इंजॉयबल, बड़ी हैप्पीली काम कर रही थी, मेरे को कुछ भी मुश्किल नहीं लगा। मैं अब यहाँ पे झूठ बोलूँ कि मेरे को ये मुश्किलात आई, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आई, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बड़े इंजॉय करके ही अपना काम किया और बड़ी खुशी खुशी से किया। लेकिन मर्दों के समाज में एक महिला जब सरपंच बनती है और उसके बाद मर्दों के बीच में बैठ के कई सारे मामले ऐसे भी आते होंगे जिसमें जाहिर सी बात है किसी महिला के साथ ज्यादती का मामला हो, कोई और गांव का मामला हो, जब ऐसे मामले आपके सामने आते होंगे, तो इस पुरुष प्रधान समाज, भारत के समाज को माना जाता है, तो इस समाज में उन मामलों से कैसे निबटती थी आप? सर देखिए, जैसे अब डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ भी तो मेल और फीमेल जेंडर एक जैसा होता है। कितने केसेस वहाँ पे भी ऐसे होते हैं, पुलिस में भी देखिए कितने केसेस ऐसे होते हैं। तो मैंने अपने आप को कभी इस चीज़ के लिए कहीं शाय या कहीं हेजिटेशन नहीं किया, क्योंकि ये नेचुरल सी चीज़ें हैं, जो भी होना होता है नेचुरल सा है। तो मेरे को कभी मतलब ये नहीं लगा कि ये जेंट्स हैं तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं होनी चाहिए या मेरे को शर्म आ गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैंने बड़ा एक बोल्डली जो भी किया, कहीं भी अगर ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस होता था और कुछ चीज़ें या कुछ गलत चीज़ें या कुछ ऐसी वर्डिंग्स होती थी, तो मैंने कभी इस चीज़ को मतलब उस चीज़ मतलब नज़रिए से नहीं देखा कि मैं एक लेडी हूँ और ये जेंट्स हैं। जो भी है, एक ये मतलब एक दुनिया चलती आ रही है इन चीज़ों से, और मैंने इन चीज़ों को कभी मायने रखा ही नहीं कि मैं लेडी हूँ और मेरे साथ एक जेंट्स बैठा तो मेरे को इसने हेजिटेशन किया। जब मैंने ये सरपंची मतलब पढ़ी इस फील्ड में, पॉलिटिक्स में, तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बोल्ड कर लिया और मैंने बड़े आराम से इन चीज़ों को हैंडल किया। जानना चाहेंगे कि जिस समय आप स्कूल में थी, तो कुछ याद आता है कि कभी किसी टीचर को पीट दिया हो, कभी किसी स्टूडेंट को पीट दिया हो स्कूल के टाइम में? सर दैट टाइम आई वॉज वेरी शाय एंड वेरी जेंटल बाय नेचर, बट आई डोंट नो कि जब मेरी मैरिज होगी और मेरे को मेरे हस्बैंड ने इस चीज में इंडल्ज किया, तो मैं इतनी स्ट्रांग और बोल्ड। यानी आप कह रहे हैं कि स्कूल के टाइम में आपने किसी को मतलब किसी को कुटा नहीं और कॉलेज के टाइम में बिल्कुल नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं? आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट, बट ऐसा अब नहीं है। अब मेरे को कोई देखेगा तो लगेगा ये तो एक तूफान नहीं, आप हो सकता है आपने किसी सेली से डर रही हो, यार उसको उस टाइम मारा था, अब फिर कैमरे पे बोल दूंगी। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना मैं कभी किसी से डरी, और मेरा एक अपना वो स्टाइल था और वो बिल्कुल अपोजिट हो गया। मैं जैसी पहले थी मैं वैसी नहीं रही, अब मैं बहुत बोल्ड और एक कैलिबर वाला, जुनून वाला है मेरा नेचर। तो ये आया कहां से? सर आई डोंट नो, जस्ट मैं पॉलिटिक्स में गई। इवन जब मैं पॉलिटिक्स में गई, जब शादी करके आप नए एक परिवार में आ गई, ठीक है, 2002 में मेरी मैरिज हुई थी, तो पहले दिन से ही आप बोल्ड थी? नहीं, नो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही मैं पॉलिटिक्स में गई, 2011 में इलेक्शंस हुई, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब इलेक्शन हुई मेरे को ये भी नहीं पता था कि वार्ड्स क्या होती हैं, वोट्स क्या होती हैं, वोटें होती क्या है, मतलब आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग। जस्ट एक कहते हैं ना, वो खाली किताब थी मैं। जब मैंने इलेक्शन ये मैंने विन किया, आहिस्ता 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 मेरे को वो शौक सा होता है ना, जुनून पैदा होता गया। मैंने उन चीज़ों को सीखना की कोशिश की, मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट की, वो मेरे को सिखाते गए और मैं सीखती गई, और अब मैं उनको सिखा रही हूँ। अच्छा, अब आप उनको सिखा रहे हैं, गुस्सा करते हैं आप? मैं बहुत ज्यादा उन्हीं पे, बाहर नहीं। अच्छा, उन्हीं पे, बाहर नहीं? बाहर नहीं। मतलब बाहर जनता के ऊपर अगर गुस्सा आए तो कंट्रोल कैसे करते हैं? I have very much patience. मैं हर चीज़ बड़े patience नहीं, कभी तो गुस्सा आ ही जाता, कंट्रोल कैसे करते हैं? नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं आता, लोगों पे नहीं आता, जो आता है घर के अपने एक चार दीवारी के अंदर, लोगों से मैं बड़ी पोलाइटली और ये दिखावा नहीं करती। ये मेरा नेचर है कि अगर मेरे को पॉलिटिक्स में रहना है, मतलब मेरे पेशेंस को और ज्यादा डबल होना है अगर लोगों को हैंडल करना है। सहनशील कौन है ज्यादा, आप या आपके पतिदेव? तो अभी आप कह रहे हैं आप उनके ऊपर गुस्सा करते हैं? नहीं, वो करती हूँ जब वो गलत होता है, ऐसे नहीं करती। तो उस समय सहनशीलता कौन दिखाता है, आप आपके पति देव? दोनों ही जबरदस्त हैं। दोनों सहनशीलता दिखाते हैं? दोनों ही दूसरे एक दूसरे को काउंटर करते हैं। काउंटर करते हैं जी। अच्छा, एक और चीज जानना चाहूंगा कि जिस समय आप पूरा दिन काम करती हैं, मतलब सुबह आप मान लीजिए 6 बजे आपको उठना पड़ा, प्रचार के लिए जाना पड़ा, पूरे दिन आपने काम किया, शाम को आप घर वापस आती हैं, थकी हुई हैं, कभी कोई दिन ऐसा आया आप परेशान हुए, आपने सोचा सब छोड़ छाड़ दूं और वापस अपने घर चली जाऊं, ये कहां मतलब किस जंगल में मैं फंस गई, सुबह से लेकर शाम तक लोगों की बातें सुनो, काम भी करो और फिर लोगों की शिकायतें भी सुनो? मैंने पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स को कभी नहीं सोचा कि मैं छोड़ दूं। आई नेवर मैंने सोचा ही नहीं कि मैं पॉलिटिक्स को छोड़ दूं। सिर्फ जो अब इंसिडेंट हुआ मेरे साथ रिसेंट, उससे मेरे को लगा कि मेरे को इस चीज से दूर जाना चाहिए। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, वोट दिए हैं, मैं एक इंसान के लिए इस चीज को नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ मैंने अब ये 8 साल मैंने पहले टेन्योर दिया, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कभी ये चीज नहीं सोची कि पॉलिटिक्स एक डर्टी गेम है या मेरे को इस पे नहीं करना, कभी नहीं सोचा। सिर्फ अब जब ये थोड़ा सा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ तब मैंने ये सोचा। फिर मैंने साथ ही साथ ये सोचा कि एक इंसान के लिए मेरे को ये चीज नहीं छोड़नी। माइट भी इसके बाद बहुत अच्छा हो जाए, अगर मेरे साथ अच्छा हो जाता तो मैं हाथ पैर ही ना लगाती अच्छे सोचने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। तो एक बार ये सोचा मैंने। आपने सरपंच का चुनाव हारा, हारने के बाद आपकी एक बड़ी खूबसूरत वीडियो आई है जिसमें आप बड़ी एक खूबसूरत तकरीर करती हैं, और क्या घर आके रोई कि यार मैं तो हार गई? सर थोड़ा सा तो हुआ, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। सरपंच की जॉब बड़ी टायरिंग थी, टफ थी, मैंने 8 साल का टेन्योर दिया था। मैं अपने लिए नहीं रोई, मैं लोगों के लिए रोई। जुनेद जी यू कैन नॉट इमेजिन, जब ये हुआ हमारा एक मेरा एरिया नहीं, हमारे यहाँ पे 2-3 एरिया कनेक्ट होते हैं, उनको अपनी जो सीट की टेंशन नहीं थी, उनको था कि मैडम का क्या हुआ, मैडम का क्या हुआ। और मैं कह रही हूँ कि पूरे जम्मू में, थ्रू आउट जम्मू भी, जहाँ जहाँ लोग मेरे को जानते हैं, आप मेरी वॉल देख सकते हैं फेसबुक, मतलब लोग शॉक्ड हो गए ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स कैसे हो गया। और इवन मैं आपको बताऊं, जब इलेक्शन की काउंटिंग हो रही थी, जहाँ पे वो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर से आर्मी थी, उनकी आंखें भी नम होगी कि ये अनफॉर्चुनेट लोग हैं जिनको इतना अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल रहा, ये लोग बहुत अनलकी हैं। गुरमीत जी एक बड़ा नॉन सीरियस सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये ग्लैमर के कारण है कि लोग शॉक में हो गए कि आप हार गए, या आपने काम इतना किया हुआ है? मेरे को लगता है दोनों चीजें ही हैं, ग्लैमर भी मैटर करता है और काम भी मैटर करता है। आप बोलोगे कि ग्लैमर ही आएगा तो काम नहीं आएगा, वो चीज नहीं है, ग्लैमर भी होता है और काम भी मैटर करता है। अच्छा मुझे ये बताइए, पंजाबी बड़े दिल के लोग होते हैं या जम्मू कश्मीर के? सर लोग तो सब बड़े दिल वाले हैं, ये हम तक है कि हम किसी को ज्यादा बड़ा दिल किसका है, सब पे एक जैसा है। नहीं मैं ये इस चीज पे नहीं कमेंट करूंगी, ये आप पे और मेरे पे अपनी अपनी सोच पे डिपेंड है कि हम चीजों को कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा जैसा आपने अभी कहा कि आप घर आई और थोड़ा रोई, एक मिनट के लिए एक सिनारियो आपके सामने है कि आपकी जगह आपके पतिदेव चुनाव लड़े हैं, वो हार गए हैं, हारने के बाद घर आए, वो भी रोते? उन्होंने अभी तक अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया। नहीं रोते या नहीं रोते? मेरे को नहीं लगता। तो आप क्यों रोई? मैंने टेन्योर दिया था, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया ना, मतलब मेरा था, या ये कि थोड़ा महिला है और थोड़ा दिल, थोड़ा सा मर्द के कंपैरेटिवली थोड़ा दिल भी कमजोर है कि? दिल कमजोर नहीं है, जब मैं हारी मैं आई और यहाँ पे ऐसा था कि दुनिया, जो एक जो हमारा कैंडिडेट जीता उसके साथ सिर्फ 10 लोग थे, सिर्फ 10 लोग थे। और जुनैद जी जब मेरा ये रिजल्ट आउट हुआ ना, अंदर जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रिजल्ट आउट नहीं किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि हु इज द विनर कैंडिडेट, उन्होंने सिर्फ वोट गिनी। और देखो मेरा कॉन्फिडेंस तब भी, मेरे को शायद अभी ये याद नहीं है, मैं सुनती हूँ लोगों से, मैंने बाहर आके स्पीच की, मैंने लोगों को बोला जिन्होंने मेरे को वोट्स दी उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने नहीं दी उनका भी शुक्रिया। और ये एक इलेक्शन छोटी इलेक्शन है, जल्दी ही आपको मैं एक बड़ी कुर्सी पे मिलूंगी। आई डोंट नो मैं उस टाइम के सिचुएशन में थी, क्या मेरे साथ हो रहा था और ये क्वेश्चंस मेरे माइंड में कैसे आए। और अभी तक दुनिया में मतलब फिर खड़ा कैसे किया दोबारा से अपने आप को, अगले दिन सुबह फिर उठना है, फिर लोग वही हैं, लोगों से, उन लोगों के लिए खड़ा हुई जिन्होंने मेरे को वोट्स दिए हैं। और लोग आके यहाँ पे रोए, बुजुर्ग भी रोए, यंगस्टर्स भी रोए, जिन्होंने हमारे साथ एक टीम वर्क किया था वो भी रोए कि ये क्या हो गया। डांट पड़ी कहीं से? नहीं, नेवर, किसी ने डांटा नहीं? नहीं किसी ने नहीं डांटा, घर के लोगों ने डांटा होगा, ये काम छोड़ दिया, उसका काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, किसी ने नहीं कहा। मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, आप यहाँ से अपना कैमरा लीजिए, कहीं भी जाए और पूछ लीजिए। नहीं मैं घर परिवार की बात कर रहा हूँ, घर परिवार ने मेरी बहुत सपोर्ट की, ऑलवेज सपोर्टिंग, तभी तो मैं यहाँ हूँ। अच्छा एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि आप एक महिला हैं, सशक्त महिला हैं, और सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट की हम लोग जब बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई हमारे स्टेट में लोग महिलाओं को लेकर इतने सीरियस हैं कि उनका, महिलाओं को पूरी आज़ादी होनी चाहिए, वो एम्पावर्ड होनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि ऐसी हकीकत है, या आपको लगता है बस किससे कहानियाँ हैं, हकीकत में कोई भी नहीं चाहता कि औरतें एम्पावर्ड हों, औरतें मजबूत हों, काम करें? जुनेद जी मैं आपको एक अपना पर्सनल बताऊं एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं क्या होता है, जो हमारे साथ आज ये हुआ ना उसका भी रीजन क्या है, जो हमारे जो मेरे थे ना
अपोनेंट नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो इलेक्शन लड़